हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं मंदर पर्वत के जो है नीचे हम लोग बैठे हैं, और पीछे जो दर्शन हो रहा है वो क्षीर सागर के मंथन का, कि क्षीर समुद्र के बीच में मंदर पर्वत है और वासुकी सर्प की रस्सी बनाया है, और एक तरफ देवता लोग हैं, दूसरी तरफ असुर हैं और क्षीर सागर का मंथन कर रहे हैं। तो ये कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में बहुत विस्तार पूर्वक आती है। तो इसमें 8वें स्कंद का 6ठा अध्याय हम जो पढ़ रहे हैं, तो ये उस समय की घटना है जिस समय असुरों ने देवताओं को पराजित कर लिया और स्वर्ग को भी हथिया लिया, और सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर आए। तो क्षीर सागर के तट पर आए तो ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने वहाँ पर दर्शन दिया। और अब भगवान जो है बोल रहे हैं, तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विरिंच आदि भी ईडित सदत, कि जब ब्रह्मा आदि देवता लोग जो है भगवान की स्तुति करते हैं, विज्ञान तेषाम हृदयम थैव, तो उनके हृदय के मनोभाव को जान करके जगाद जीमोदक भी रिया गिरा, भगवान ने जो है ऐसी वाणी से उपदेश दिया जो बादल की गर्जना के समान है। भगवान की वाणी, बद्धांजलिन समृत सर्वकारकान, और जितने भी देवता लोग हैं सब भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, और कैसे बद्ध अंजलि हाथ बांध करके, अपने अंजलि बांध करके सब देवता लोग भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। एक एवेश्वर तस्मिन सुन कार्य सुरेश्वर, तो भगवान जो है एकमात्र ईश्वर हैं, देवताओं के एकमात्र ईश्वर भगवान हैं, और वे देवताओं के स्वामी भगवान जो है देवताओं के लाभ के लिए विहर तो कामस तना है, और उनको जो है लीला का आनंद भी लेना है। तो भगवान अपनी लीला का आनंद भी लेते हैं, तो भगवान की लीला का भी आनंद है इसमें, देवताओं का हित भी है। नहीं तो समुद्र मंथन की आवश्यकता नहीं थी, भगवान के पास तो अनेक उपाय हैं, अमृत भगवान के दर्शन में भी अमृत है, तो कोई आवश्यकता ही नहीं है अमृत निकालने की। लेकिन ये तो भगवान की एक लीला है कि क्षीर सागर का मंथन करें और ये जो है अपने भक्तों को आनंद दें। तो विहर तो कामस्ताना है समुद्रोन मथनादि भी, तो समुद्र मंथन का जो है एक आनंद भगवान को लेने की इच्छा थी, इसलिए भगवान इस प्रकार बोले। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, हंत ब्रह्मण न हो शंभो हे देवा मम भाषितम, तो आप जो है बड़े सावधानी पूर्वक हे ब्रह्मा हे शंकर और सब देवता लोग मेरे जो उपदेश हैं इनको सुनो। सुनो तो अभिता सर्वे, आप सब लोग बड़े सावधानी पूर्वक सुनो, श्रेय महाश्यात यथा सुरा, जिससे आप सब लोगों का कल्याण होगा वो मैं बताता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, याद दानव दैत्य यश तावत संधिर्विति हेताम, आप लोग जो है दानवों और दैत्यों के पास जाइए, लेकिन तब तक के लिए संधि आप जो है उनसे करिए। तो भगवान की जो नीति है वो ये है कि देवता लोग असुरों के साथ कभी संधि ना करें, अगर संधि करें तो कुछ विशेष समय के लिए और कुछ विशेष प्रयोजन के लिए संधि करना है, अपने स्वार्थ के लिए। तो भगवान देवताओं के पक्ष में होते हैं हमेशा, असुरों के पक्ष में नहीं होते। असुर लोग जो है भगवान के विरोधी होते हैं, इसलिए भगवान देवताओं को शिक्षा देते हैं, असुरों के साथ जो है संधि तब तक के लिए करो जब तक अपना स्वार्थ पूरा हो जाए। तो ये जो है नीति है, कभी नहीं है कि भाई असुर और जो है देवता समान है और हम सबको बराबर मानते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, ये जो है शिक्षा नहीं है हमारे वैष्णवों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए। तो भगवान कहते हैं कि आप लोग जो है दानव और दैत्यों के साथ में पास जाइए, और तावत संधि तब तक आप जो है उनसे संधि करो यानी मित्रता करो, काले ना दुग्री गृहित स्तर यद वधवो भव आत्मना, कि जब तक जो है समय उनके अनुकूल चल रहा है तब तक के लिए उनसे मित्रता कर लो,
जब समय अपने अनुकूल हो जाए तो फिर उनसे क्या करोगे, मित्रता तोड़ दो। तो ये भगवान की जो है नीति है, इस नीति का जो है हमें आदर करना चाहिए। अर्योप ही संदेह सत्य कार्यार्थ, तो शत्रुओं के साथ ही मित्रता कर देना चाहिए, कर लेना चाहिए अपने कार्य का जो है करने के लिए, अपने कार्य को बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। अही मुश्क बद्देवा हृतस्थ पदवीम गत है कि जैसे सांप और चूहे का न्याय है, अही मुश्क न्याय कहा जाता है। अही माने सांप, मुश्क माने चूहा, तो सांप और चूहे का न्याय तो क्या है न्याय, कि एक बार एक टोकरी के अंदर सांप बंद हो गया, अब सांप टोकरी से बाहर नहीं निकल सकता, तो चूहा भी उसके अंदर बंद था तो वो डरा हुआ था सांप से, तो सांप ने कहा भाई तुम डरो नहीं है, क्योंकि इस समय हमारा भी काम और तुम्हारा भी काम है, हम भी बाहर निकलना चाहते, तुम भी बाहर निकलना चाहते, तो तुम जो है छेद कर लो टोकरी में, मैं तो छेद नहीं कर सकता टोकरी, तो तुम छेद करो टोकरी में और तुम भी निकल जाओ, मैं भी निकल जाऊँ। जब चूहे ने छेद कर लिया तो सांप ने चूहे को खा लिया और निकल गया बाहर। तो इस प्रकार से भगवान देवताओं को नीति इस प्रकार के दे रहे हैं कि असुरों के साथ में इस प्रकार से मित्रता करो कि जिसमें अपना काम भी पूरा हो जाए और उनका जो है काम ना हो। जिस प्रकार से अमृत उत्पादन है यत्न क्रियताम अविलंबितम, तो बहुत जल्दी ही बिना विलंब किए अमृत के उत्पादन का यत्न करो। यश पीत से वह जंतु मृत्यु के स्तो मरो, कि जो व्यक्ति मृत्यु से ग्रसित है, जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाएगा। छिपता छीरो तथा सर्वा वीरोत्तीर्ण लथो थे, तो क्षीर समुद्र में सब प्रकार के जो लताएं हैं, औषधियां हैं, सब जो है उसमें डालो। मंथानम मंदरम कृत्वा, और मंदर पर्वत को मथानी बना करके, तो मथानी ठीक है, मंदर पर्वत को मथानी बना करके, मंथन का मतलब मंथन, मथानी तो छोटी होती है और मंथन जो है होता बड़ा होता है ना, तो मंथन दंड मंदर पर्वत को बना करके नेत्रम कृत्वा तो वासुकिम, और वासुकी सर्प को क्या बनाओ, रस्सी बनाओ। सहायर मया देवा, और मेरी सहायता से हे देवता लोग निर्मत्वध्वम अतंद्रिता, बड़ी सावधानी पूर्वक उसका मंथन करो। क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या युजम फल ग्रह, तो दैत्यों को केवल क्लेश ही क्लेश मिलेगा और तुम लोगों को उसका फल प्राप्त होगा। तो देवताओं को जो है भगवान आज्ञा देते हैं कि असुरों के साथ संधि करो, मित्रता करो, लेकिन साथ साथ अपने हृदय में कपट भी रखो। ये कपट नीति है ना, तो शत्रु के साथ में जो अधर्म का कार्य करते हैं तो अधर्म को जो है अधर्म से ही नष्ट किया जाए। धर्म की स्थापना के लिए अगर धर्म का अधर्म का प्रयोग किया जाता है तो भी धर्म कहा जाता है। अधर्म भी धर्म होता है, अगर धर्म की स्थापना के लिए धर्म का प्रयोग किया जाए तो। भगवान जो है इस प्रकार से नीति देते हैं। योजम तद अनुमोदत्वम यदि छंद सुरा सुरा, तो तुम्हें जो है सब कार्य शांतिपूर्वक करना चाहिए। न संलम्बे न सिद्धियंती सर्वार्थ आसान भया, अगर गुस्सा करोगे तो फिर कार्य नहीं होगा, इसलिए तुम उनका अनुमोदन करो कि वो आ तुम्हारे साथ में कार्य करें। न भेतव्यम कालकूटात विषाद जल्दी संभवात, और डरो नहीं, कालकूट सबसे पहले उत्पन्न होगा, कालकूट विष सबसे पहले उत्पन्न होगा, तो डरना नहीं। लोभा कार्यो न वो जातो रोषा काम अस्तु वस्तुसु, और इसमें किसी प्रकार से ना तो लोभ करना कि कोई अमृत के अलावा दूसरी चीज़ें निकलती हैं उसमें, अगर लोभ करोगे तो फिर आपका असली लक्ष्य नहीं पूरा होगा, अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए लोभ नहीं करना। ना रोषा काम अस्तु वस्तुसु, नो ना काम कामना करना किसी चीज़ की, ना लोभ करना, ना गुस्सा करना, काम क्रोध लोभ तीनों को त्याग करके अमृत को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो श्री सुखवास सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि देवान समादेश से भगवान पुरुषोत्तमा, भगवान ने देवताओं को इस प्रकार से जब आदेश दिया, तेषाम अंतर्धेराजन स्वच्छंद गति दिशा, और उनके बीच में भगवान अंतर्धान हो गए क्योंकि उनकी स्वच्छंद गति है, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अंतर्धान हो जाएँ तो कोई भगवान के ऊपर कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकता। तो फिर
अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह। अब जो है पितामह ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार करते हैं और भवश्च और शिव जी भी नमस्कार करते हैं। जगमतो सर्वे स्वम स्वम धाम उपयोर बलिम सुरा, और अपने अपने स्थान में चले गए और जो जितने देवता हैं वो महाराज बलि के पास गए। इसका मतलब उस समय जब समंत्र मंथन हुआ तो ये छठवां मनमंत्र चल रहा था और हिरण्यकश्यप का वध हो चुका था। प्रहलाद महाराज राजा बने, फिर प्रहलाद महाराज के बाद फिर उनके पुत्र विरोचन राजा बने, और विरोचन के बाद फिर उनके पुत्र बलि महाराज राजा बने। तो ये बलि महाराज का समय चल रहा था जब असुरों के राजा थे बलि महाराज। उस समय की बात है कि सब देवता जो है बलि महाराज के पास आए। दृष्टवान अरीन अपि असंयत्तान जात शोभान सुनायकान। तो दैत्य जो है राजा, दैत्यों के राजा बलि जो है वो बड़े बुद्धिमान थे। जब देखा कि शत्रु लोग आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं, बिना युद्ध की भावना के आ रहे हैं और अपने साथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं लिए हैं। तो दैत्यराज बलि ने अपने जो है असुरों को रोका कि तुम लोग जो है गुस्सा मत हो, अभी वो अगर आ रहे हैं हमसे संधि करने के लिए तो तुम्हें जो है शांत रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ते विरोचनम आसीनम गुप्तम चासुर युद्ध पे। तो जब देखा देवताओं ने कि विरोचन के पुत्र बलि महाराज जो है सब असुरों के द्वारा सुरक्षित हैं और श्रिया परमया जुष्टम, और बहुत ही जो है उनका जो है ठाट बाट है बलि महाराज का, तो फिर जो है उन्होंने बड़ी कोमल वाणी से कहा, महेंद्रा सुरक्षण आवाचा। तो इंद्र जो देवताओं के स्वामी इंद्र हैं, उन्होंने बड़ी कोमल वाणी से जो है सांत्वित्वा महामते सांत्वना देते हुए, बलि महाराज को सांत्वना देते हुए कहा, अभिभाषत तत्सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमात। तो भगवान पुरुषोत्तम ने जो कुछ शिक्षा दी थी उसी प्रकार से इंद्र ने बलि महाराज से बातचीत की। तत्व रोचत दैत्यस्य तत्राण्य असुराधिपा। तो ये बात जो है जितने भी दैत्य थे बलि महाराज के साथ में, उनको बड़ी उसमें रुचि पैदा हुई। संबरोष्ट नैमिश्चा ये चात्रपुरवासिना। जितने भी जो है असुर थे, संबरासुर थे, अरिष्टासुर थे, अरिष्ट नेमी, संबरासुर, अरिष्ट नेमी, ये सब जो असुर थे वो बहुत जल्दी मान गए इस बात को। ततो देवासुरा कृत्वा संविदम कृत्वा। तब देवताओं असुरों ने जो है मैत्री करके उद्यमम परमम चक्रुर, बहुत बड़ा उद्योग किया यानी प्रयास किया अमृतार्थे परंतप, अमृत को पाने के लिए। ततस्ते मंदर गिरिम ओजसोत पाट दुर्मदा। तो फिर मंदर पर्वत के पास आए और अपनी शक्ति से उन्होंने उखाड़ा मंदर पर्वत को। देवतासुर सब मिल करके मंदर पर्वत को उखाड़ा। नदंत उदधिम निन्नी हो, और बड़ी जोर से आवाज़ करते हुए चले। कहाँ चले? समुद्र की ओर चले। शक्ता पर के बाहवा, बड़े शक्तिशाली थे और बड़ी जो है भुजाएँ थी उनकी, तो चल पड़े। दूर भारोद भास्त्रांता, परंतु दूर तक जब भारी बोझा लेकर के चलने के कारण इतने थक गए। शक्र वैरोचना दिया। तो समय जितने जो है बलि महाराज भी थे, इंद्र भी थे, राजा देवताओं के राजा इंद्र थे, असुरों के राजा बलि थे, वे सब जो है अपार यंता तम वोढ़ुम, उसको उठा पाने में अब समर्थ नहीं हुए। और विवशा विजय हो तो थी, और रास्ते में छोड़ दिया, रास्ते में गिरा दिया मंदर पर्वत को। निपतन सा गिरस तत्र बहु नमर दानवान। और जैसे ही पर्वत गिरा नीचे तो बहुत से जो देवता थे और दानव थे चूर्ण या मास चूर्ण हो गए। महाता भारण कर्ण का चला, क्योंकि पूरा जो पर्वत है सोने का था। अब अभी जो है पर्वत सोने का नहीं दिखाई दे रहा है, वो अलग बात है, ये सोने का पर्वत था ये, और सोना बहुत भारी होता है, है? तो सोना पत्थर से ज़्यादा भारी होता है, तो पत्थर से ज़्यादा भारी था। तान था भग्न मनसो भग्न बाहुन। तो फिर उनका मन भी जो है एकदम टूट गया, उनके भुजाएं भी टूट गए, उनके कंधे टूट गए। ये क्या है भगवान तद बभूगो। तो जब भगवान ने जब ये जान लिया कि ऐसी हालत हो गई उनके कार्य में,
तो भगवान जो है गरुड़ ध्वजा गरुड़ पर सवार होकर के भगवान वहां पर आ गए। हरि बोल गिरिपाद विष्टान मिलो क्या मर दानवान। तो जितने पर्वत से गिरने के कारण कुचले गए थे देवता और दानव, भगवान ने आप इच्छा जीव या अपनी दृष्टि से ही जिंदा कर दिया। देखो भगवान की दृष्टि में ही अमृत है, ये तो अमृत जो निकालना क्षीर सागर से तो एक लीला है, भगवान की दृष्टि में ही अमृत है, अपनी दृष्टि से जीवित कर दिया। देवताओं असुरों को जो चूर्ण हो गए थे तो अपनी दृष्टि से जीवित कर दिया, है ना। अमृत की क्या आवश्यकता है, भगवान की दृष्टि में ही अमृत है। और इच्छा जीव या निर्जनान निर्मणान्य था, और ऐसे हो गए कि उनका जो है अब शोक भी दूर हो गया और उनका जो है सब घाव सब मतलब दूर हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो गए। गिरिम चारों पे गरुड़े हंसते न के लिए, और बड़ी खेल पूर्वक जो है भगवान एक हाथ से पर्वत को उठाया और गरुड़ पर रख लिया। एक हाथ से भगवान ने पर्वत को उठाया और गरुड़ के ऊपर रख लिया। आरुहे प्रेयावधिन सुरासुर गणवृता, और जो जितने देवता थे असुर थे उनसे घिरे हुए भगवान जो है पहुंच गए कहाँ, क्षीर सागर। इसका मतलब ये भगवान आकाश मार्ग से नहीं चले, या आकाश मार्ग से चले तो देवता लोग भी आकाश मार्ग से चल रहे हैं और असुर भी चल सकते हैं आकाश मार्ग से, देवता असुर भी। तो आकाश मार्ग से भगवान गरुड़ पर बैठ करके जा रहे हैं, देवता असुर जो है बिना गरुड़ के वो जो है आकाश मार्ग से चल रहे हैं, और कहाँ पहुँच गए, हाँ अवधिम क्षीर समुद्र में पहुँच गए। समुद्र पार करने पड़े तो आकाश से पाँचवा समुद्र है, हाँ पाँचवा समुद्र है। अवरोप्य गिरिम स्कंधात, और फिर जो पर्वत था गरुड़ के कंधे से उतारा उन्होंने, सुपर्णा पतताम बढ़ा और जलान उत्सृजय, और फिर जो है जल के निकट ले गए पर्वत को, और जब तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वो चले गए, पक्षीराज गरुड़ जो है चले गए। अब भगवान रह गए और गरुड़ को जो है आज्ञा दे दी कि अब तुम जाओ, गरुड़ चले गए। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि गरुड़ जी से जो है वासुकी सर्प को भय था, तो सर्प कैसे आएगा गरुड़ जी के सामने, तो गरुड़ कहा तुम अब तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, अब तो वासुकी सर्प की आवश्यकता है और सर्प की रस्सी बनेगी तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तो तुम जाओ यहाँ से। तो गरुड़ को जो है आज्ञा दी अब तुम जाओ। इस प्रकार से जो है फिर क्या हुआ कि देवता और असुरों ने जो है सर्पराज वासुकी को बुलाया। नागराजम आमंत्र फल भागे न वासुकी, भाई तुमको भी अमृत का हिस्सा दिया जाएगा, तुम भी आ जाओ। तो तुम रस्सी बनो, हाँ तो तुम्हारी रस्सी बना करके हम जो अमृत निकालेंगे उसमें तुमको भी हिस्सा देंगे। तो अमृत के लोभ से वासुकी सर भी तैयार हो गए, नहीं तो उनको जो है मतलब कितनी कितना कष्ट होगा कि उनकी रस्सी बना कर देगी, इधर से खींच रहे वो उधर से खींच रहे हैं। तो ये अमृत का अगर हमें हिस्सा मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। पर ये गिरो तस्मिन नेत्रम अभ्यम्बुतान्विता, तो बहुत खुशी खुशी जो है उन्होंने उसको लपेट लिया, मासुकी सर्प ने लपेट लिया है। और आरे भिरे सुरायता अमृतार्थे कुरुद्व, अब जो देवताओं ने अमृत के लिए अब आरंभ शुरू किया, कार्य अपना आरंभ किया। हरि पुरस्ता जगृह पूर्वम देवासतो भवत, तो भगवान ने जो है सांप के मुंह को पकड़ लिया तो देवता लोग सांप के मुंह की तरफ आ गए, है ना। अब उस समय क्या हुआ, तन्नय छन दैत्यपतियों महापुरुष चेष्टितम, भगवान की चेष्टा को जो है दैत्यों ने पसंद नहीं किया। और भगवान की ही भगवान की चालाकी थी कि भगवान ने मुंह की तरफ गए, है ना, तो दैत्यों को कहा कि भगवान का जो है अच्छा तरीका नहीं है, ये गलत है, अन्याय है, ये मुंह की तरफ गए हैं, हाँ ये तो हम सांप की पूछ नहीं पकड़ेंगे। न गृहे वरम पुच्छम अहे अंगम अमंगलम, जो सर्प का जो पूंछ का हिस्सा है वो अशुभ होता है, हम पूंछ का हिस्सा नहीं पकड़ेंगे। तो वहीं पर ही जो है उन्होंने हाथ बांध दिए कि काम नहीं होगा, है ना, भगवान की इस चेष्टा को देख करके। स्वाध्यायम हम स्वाध्याय से संपन्न है, हम जो है श्रुत वेदों से संपन्न है, हैं, और हम जन्म और कर्म हमारे जो है बड़े ऊँचे हैं, इसलिए हम जो है जानते हैं कि सांप की पूंछ जो है अशुभ होती है, हम सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे।
भगवान की चालाकी थी तो क्या हुआ, इति तुष्णीम स्थान दे ध्यान विलोक की पुरुषोत्तमा। तो जब दैत्य लोग जो है अपने हाथ बांध के खड़े हो गए कि नहीं काम नहीं करेंगे हम, तो भगवान ने जो है हंसे, भगवान हंस करके और उसका सांप का मुंह छोड़ करके पूछ की तरफ आ गए। अच्छा तो जो है सब देवता लोग भगवान के साथ थे, सब देवता लोग भी पूछ की तरफ आ गए। कृतस्थान देखा विभागास्ता एवं कश्यप नंदना, इस प्रकार से सांप के कौन स्थान को कौन पकड़ेगा सब कश्यप के पुत्रों ने निश्चित कर लिया। कश्यप के पुत्र दोनों हैं, दिति के पुत्र हैं दैत्य और दोनों के पुत्र हैं दानव, तो दैत्य दानव तो एक साथ हैं और आदित्य के पुत्र हैं आदित्य देवता लोग। और ममंथु परमम यथा अमृतार्थम प्रयोनिधम, अमृत के लिए जो है अब बहुत भारी जो है उन्होंने मंथन शुरू किया। मध्यमाणे नवे शूद्र अनाधारो हिपभूषण, अब वो जब समुद्र में जब मंथन कर रहे थे तो बिना किसी आधार के पर्वत नीचे चला गया, पर्वत नीचे चला गया। श्रीमाणोपि बलिभिर गौरवात् पांडुनंदन, तो बलि आदि जितने असुर थे उन्होंने बहुत कोशिश की भाई पर्वत नीचे ना गिरे, पर्वत नीचे चला गया पानी में। तो फिर तेज निर्विण्ड मनसा परिम्लान, अब जो है फिर से बड़े निराश हो गए कि अब क्या करें, एक दूसरी बात आ गई, एक तो वो पर्वत नहीं ला पा रहे थे तो भगवान पर्वत लेके आए, अब जो है पर्वत पानी में डूब गया, अब क्या करें। तो फिर आसन से पौरुष है न से देवी नाति बलिशिया, अब वो देखे कि भाई हमारा सब पुरुषार्थ बेकार हो गया है, सब निराश हो गए। विलो के विघ्न से विधिम तदेश्वरो दुरंत वीरियो तथा अभिसंधा संधि, तो भगवान ने देखा कि विघ्न के स्वामी हैं चाहे गणेश जी हों जो भी हो, तो उनके कारण ये विघ्न उपस्थित हुआ है, तो भगवान की तो है शक्ति तो अपार है। तो कृत्वा वो कच्छप अद्भुतम महात, तो भगवान ने कच्छप का शरीर धारण किया, बहुत बड़े कच्छप का, प्रविश्य तो यम गिरम जोहार, और नीचे चले गए पानी के नीचे चले गए और पर्वत को ऊपर उठा लिया पर्वत को ऊपर उठा लिया है ना। फिर तमोथम भीक्ष कुला चलम पुनः, अब जब देखा कि भाई पर्वत ऊपर आ गया है तो फिर से समुद्रता निर्मथितुम सुरासुरा, तो देवता और असुर ने फिर से जो है मंथन का अब जो है कार्य शुरू किया। धारे पृष्ठ सही लक्ष्य योजन है, और भगवान की जो पीठ है 100,000 योजन की है, 100,000 योजन की भगवान की पीठ है, 100,000 का मतलब 12,00,000 किलोमीटर कच्छप 12,00,000 किलोमीटर की पीठ है ना, उसके ऊपर जो है ये मंदर पर्वत जो है घूम रहा है ना। और जो क्षीर समुद्र है वो 16,00,000 का है, 5वां समुद्र है, 16,00,000 योजन का जो है समुद्र है, 100,000 योजन का जो है भगवान का कच्छप का शरीर। तो इस प्रकार से भगवान जो है कच्छप जो है द्वीप के समान है, जम्बू द्वीप का 100,000 योजन जिसमें हम हैं 12,00,000 किलोमीटर का, ये जम्बू द्वीप है, इसके चारों तरफ खारे पानी का समुद्र है। तो इतना बड़ा जो है भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है ना। सुरा सुरेंद्र भुर्जवीर वेपितम, तो अब देवता और असुरों के भुजाओं के द्वारा जो समुद्र जो पर्वत है वो कंपन कर रहा है यानी घूम रहा है। तो परिभ्रमंतम गिरिमंग प्रसिद्धा, तो भगवान की पीठ में वो घूम रहा था ये पर्वत। विभ्रत तथा वर्तनम आदि कच्छपो, तो इतना जो पर्वत का घूमना उनकी पीठ में था तो उन्होंने ये माना भगवान ने कि मेरे जो है शरीर की खुजली मिट रही है, बड़ा आनंद आ रहा है भगवान, अच्छा भगवान जो है इसका आनंद अनुभव कर रहे हैं कि कोई पीठ को खुजला है तो जरा अच्छा लगता है। तथा असुराना विशद असुरेण रूपेण तेषां बलवीर मीरियन, फिर भगवान असुरों के शरीर में प्रविष्ट हुए उनकी शक्ति बढ़ाते हुए, और देवताओं के शरीर में प्रविष्ट हुए उनकी शक्ति बढ़ाते हुए। और दीप्यन देव गणांश विष्णु देवेन नागेंद्रम अवध रूपा, और फिर वासुकी में भी जो है भगवान प्रविष्ट हो गए कि उनमें भी जो है शक्ति आ जाए जिससे कि उनको भी तकलीफ ना हो। और पर्यगेंद्रम गिरिराज दिवान्य आक्रम्य हस्ते सहस्रबाहु, फिर पर्वत के ऊपर भी देखो पर्वत के ऊपर भी भगवान ने एक रूप धारण किया है, पर्वत के ऊपर भी हजारों भुजाओं का जो है रूप धारण किया, एक विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे है? तो एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा
ऊपर से एक हाथ से मंदिर को पर मंदिर पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा शिव इंद्र अन्य देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। जो ब्रह्मा शिव इंद्र जो जो ऊपर थे उन्होंने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। तो मतलब देखिए भगवान के कितने रूप हैं। एक रूप में तो भगवान जो है देवताओं के साथ में मंथन कर रहे हैं, एक रूप में भगवान पत्थर पर्वत के नीचे कच्छप के रूप में है, और एक रूप में भगवान ऊपर भी एक बड़े पर्वत के रूप में है जो कि पर्वत की भार को बढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऊपर चला जाएगा, है ना। इतनी जोर से मंथन कर रहे हैं, अब नीचे तो नहीं जा रहा है, नीचे कच्छप है, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर भी ना जाए तो ऊपर से भी भार दबा रहे हैं पर्वत को। नीचे कच्छप के रूप में है कि पर्वत नीचे ना जाए, ऊपर से दबा रहे हैं कि ऊपर भी ना जाए पर्वत, है ना। इस प्रकार से भगवान भी बढ़ा रहे हैं, अंदर प्रवेश करके सकते। हाँ, और पर्यथस चात्मनि गोत्र नेत्रयो, तो भगवान जो है पर्वत के ऊपर और नीचे है, मतलब दोनों ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, और देवताओं असुरों और वासुकी में भी और पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए। तो देवता असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा है, मंथन हो रहा है कि जल के सारे मगरमच्छ बहुत विचलित हो गए और समुद्र का मंथन इस प्रकार से चलता रहा। कैसा समुद्र हुआ, हलचल हुई समुद्र में। अहेंद्र सहस्र कठोर दृंग मुख श्वासाग्नि धूम हत वर्ष सोसुरा। अब वासुकी सर्प के मुंह से क्या निकला, बड़ा जो है श्वास की अग्नि निकली और धुआं निकला, जिससे कि असुर लोग जो है सब क्या हो गए, जल गए। जैसे कि जंगल की आग से जो है पेड़ जब एकदम काले काले हो जाएं, काले काले हैं ना देते लोग, तो जो वासुकी सर्प के मुंह से निकली आग और धुआं उससे सब असुर काले पड़ गए। वही कह रहे थे कि हम नहीं, हम तो हम सांप की पूछ नहीं पकड़ेंगे, हाथ बांध दिए थे हैं। तो अब जो है उनकी हालत बहुत खराब हो गई। देवांश तथा श्वास शिका हत प्रभान, देवता लोग भी जो है देवताओं को भी असर पड़ा सांप की जो है जो आग थी, तो उनका भी धूम्राम सर्ग कंचुका नान समय वर्षन। तो जब देवताओं को भी दिक्कत होने लगी, उनके भी जो है वस्त्र हैं सब काले आले पड़ने लगे, तो भगवान ने फिर क्या किया, वर्षा उत्पन्न की। घना वपु समुद्र ने उपगूढ़ वहा, तो भगवान ने क्या किया, मूसलाधार वर्षा कर दी, जिससे कि देवताओं को राहत मिली। देवताओं को राहत देने के लिए भगवान ने वर्षा कर दी। मत्स्यमाना तथा सिंधुर देवासुर वरुथपय, इस प्रकार से देवता असुरों के द्वारा जब जो समुद्र मंथन हो रहा था, यदा सुधाना जाए थे, अभी भी अमृत नहीं निकला, निर्मंथा यथा स्वयं, तो समय फिर भगवान स्वयं मंथन करने लगे। अब भगवान ने देवता असुरों को सबको अलग कर दिया, अब भगवान खुद जो है एक हाथ से सांप का मुंह पकड़ा, एक हाथ से पूछ पकड़ी, अब खुद ही कर रहे मंथन। कैसे कर रहे हैं, इतना बड़ा रूप भगवान ने धारण किया, कितना बड़ा रूप, एक हाथ से सांप का मुंह, दूसरे हाथ से सांप की पूछ, और ऐसे मंथन कर रहे हैं अकेले, है ना। तो भगवान जो है स्वयं निर्ममंथा अजिता स्वयं, भगवान ने स्वयं मंथन किया। अब वो कैसा रूप है भगवान का, मेघ श्यामहा कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्योन, उनका जो है शरीर पूरा जो है सांवले बादल के समान है, पीत वस्त्र धारण किए हैं, कान के कुंडल बिजली के समान चमक रहे हैं, हिल रहे हैं ना कान के, जब मंथन कर रहे हैं तो सिर हिल रहा है, कुंडल हिल रहे हैं, तो बिजली के समान जो है कुंडल चमक रहे हैं, और उनके जो केस हैं सिर के बाल वो जो है बिखरे हुए हैं कंधों पर, फूलों की माला धारण किए हैं, नेत्र जो है गुलाबी हैं, और अपने भुजाओं से वासुकी को पकड़ लिया, मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे, तो भगवान जो है इंद्र नील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे हैं, नील पर्वत इस मंथन के कारण। निर्मथ्य माना उधेर भूत विषम, अब जो है क्षीर सागर से अब निकला कुछ, ये निकला कुछ क्या, विष निकला है ना। महोर बलम हल हलम अग्रतः हलाहल विष निकला, महा उल्बण यानी महाभयानक विष था, संभ्रांत मीनो मकराहे कचरा, और समय जो है मगरमच्छ हैं और मछलियां हैं और जो है बहुत से सर्प हैं, तुम्हें दुपादी गृहाती
सब आकुल हो गए, सब व्याकुल हो गए। समुद्री जितने भी जीव थे जंतु व्याकुल हो गए। तदोग्र वेगम दिशि दिशि उपर्यधो, अब वो जो है बहुत तेजी से सब दिशाओं में फैल रहा है, ऊपर की दिशाओं में। विसर्पद उस सर्पद असंह प्रति, तो असीमित विष है और असहनीय विष है। प्रजा भीता प्रजा ध्रुव अंग शेश्वरा, जितनी प्रजा हैं सब भागे, सब दिशाओं में भागे। रक्षमाणा शरणम सदा शिवम, और जितने भी जो प्रजा थी वो शिव जी की शरण में गई, है ना। तो विलोकितम देवरम दे त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतम मुनि नाम, तो शिव जी ने जब देखा है, जो सब जो जो, जो देवता लोग हैं वो शिव जी को देखते हैं, और भवाय देव्याभिमतम मुनि नाम, मुनियों से घिरे हुए हैं और पार्वती के साथ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जो है स्तुति की। तो शिव जी की स्तुति जो है सब देवता लोग करते हैं। अब क्या हुआ कि शिव जी जो है फिर पार्वती को बताते हैं कि ऐसी सी बात हो गई है, और मैं जो है इस विष को पी करके इन सब का कष्ट दूर करूंगा। तो शिव जी ने विष पी लिया, तो सब दिशाओं में जो विष फैला था शिव जी ने अपनी शक्ति से उसको एकत्र कर लिया, अपनी अंजलि में ले लिया और पी लिया। विष का जो प्रभाव उनके पेट में तो नहीं गया, गले में ही रखा, लेकिन विष ने अपना प्रभाव फिर भी दिखाया और गला उनका क्या कर दिया, नीला कर दिया। इसलिए शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। तो पीते गए वृषांकेण, अब जब शिव जी ने विष पी लिया पीतास्ते अमर दानवा, तो बड़े प्रसन्न हो गए। कौन? देवता और असुर सब प्रसन्न हो गए। ममंतुस्तर सासिनुम हवेर धानी भगवान, तो बड़ी तेजी से आप मंथन करने लगे। तो सबसे पहले क्या हुई, मतलब विष के बाद, इसके बाद दूसरा रत्न क्या निकला, हवेर धानी। हवेर धानी का मतलब है सुरभि गाय, जो हवि उत्पन्न करती है। हवि का मतलब यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करती है। सामग्री हो त्रिम ऋषियों, तो ऋषियों ने जो है उसको ले लिया सुरभि गाय को, क्योंकि उनको क्या चाहिए, अग्निहोत्र करने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए। यज्ञ से देव यानस से मेध्याय हवि से नते। उसके बाद फिर तद उच्च सर्वा नाम, अब गिनो, ये दूसरा, तो पहला तो विष निकला, फिर दूसरा सुरभि गाय निकली, अब तीसरा उच्च सर्वा नाम हयोभूत चंद्र पांडु रहा, चंद्रमा के समान बिल्कुल सफ़ेद चमकीला उच्च सर्वा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ। तस्मिन बलिम स्पृहा बलि स्पृहाम चक्रे, उसके प्रति दैत्यों के राजा बलि ने इच्छा की कि हमको ये मिल जाए घोड़ा। नेन्द्र ईश्वर शिक्षा, तो इंद्र ने फिर कुछ नहीं कहा, तो ईश्वर की शिक्षा पहले से थी कि भाई लोभ करना नहीं, जो मांगे क्रोध करना नहीं, है ना। तो फिर इंद्र ने कुछ नहीं कहा। तत् एरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गितः, इसके बाद फिर देवताओं को जो हाथियों के राजा एरावत उत्पन्न हुए। कितना संख्या होगी, चौथी संख्या, तो एरावत हाथी निकला चौथी संख्या में। तो दंते से तुर्भिषु द्रेर, तो सफ़ेद पर्वत के समान शरीर था उसका, चार चार हाथ चार दांत थे उसके। हरण भगवतो महिम, तो वो जो है ऐसा सुंदर हाथी था कि कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे। कैलाश पर्वत भी सफ़ेद है, कैलाश पर्वत से भी ज़्यादा चमकीला सफ़ेद एरावत हाथी था, है ना। एरावणा देश तुष्टो दिग्गजा भूषवा, एरावत के बाद फिर आठ बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो जो दिशाओं के दिक्पाल बन गए। तो ये दिक्पाल, आठ दिक्पाल हुए, ये और संख्या बढ़ गई, कितने हो गए, हैं आठवें, पाँचवें, गिनते जाओ, पाँचवें रत्न में जो है आठ दिक्पाल उत्पन्न हुए, है ना, आठ धातु। फिर कौस्तभाग्यम अभूत रत्नम, इसके बाद नवा रत्न क्या निकला, कौस्तुभमणि, क्या निकली, कौस्तुभमणि, है ना, पद्मरागो महोदधे, कौस्तुभमणि और पद्मराग मणि उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इच्छा की, तो ये मुझे चाहिए, कौन, कौस्तुभमणि। तो भगवान जो है भगवान ने ले लिया, कितने हो गए, छह हो गए। इसके बाद पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, पारिजात असुर लोक विभूषणम, तो देवताओं ने ले लिया भाई, स्वर्ग की शोभा बढ़ेगी, पारिजात वृक्ष ले लिया, कितने हो गए, हैं सात हुए, छठा कौस्तुभमणि, अच्छा ठीक है, सात हुए।
हाँ, इसके बाद पूरे तीर्थनों ये अर्थ है शाश्वत भविष्य था भगवान। तो वो जो है पारिजात वृक्ष है वो सबकी इच्छाओं को पूरा करता है, जो उसकी छाया में जाए इच्छा करेगा, इच्छा पूरी करेगा। इस प्रकार से तथा साफ सर सो जाता ऐसे कंठे आशुभाषा। उसके बाद फिर अप्सराएं उत्पन्न हुई ना, जो कि सोने के आभूषणों से अलंकृत थी, है ना। तो ये जो है स्वर्गलोक के निवासी ने ले लिया। तो कितने हो गई? आठ है लिया ना। हाँ, स्वर्गलोक निवासी स्वर्गलोक। तथा साविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। इसके बाद फिर साक्षात लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई भगवत परा। ये तो भगवान के परायण, चाहे कोई जितना भी चाहे वो और किसी को के पास जाएंगे नहीं, वो तो भगवान के पास जाएंगे। रंजयंती दिशा कांत्या, अपनी कांधे सब दिशाओं को जो है प्रकाशित कर रही हैं। विद्युत सौदामनी था, जैसे कि बिजली होती है तो पूरा आकाश जो है चमका डालती है, ऐसे जो है लक्ष्मी जी चमक रही हैं। तस्याम चक्रस्पृहाम से सर्वे ससुर असुर मानवा। अब तो मनुष्य भी और देवता भी असुर भी सब चाहते हैं कि भाई ये हमको मिल जाए। तो अब लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, अब वो लक्ष्मी जी को ही अवसर दिया जाए, भाई मनुष्यों में देवताओं में असुरों में जिसको तुम चाहो तुम चुन लो, स्वयंवर स्वयंवर स्वयं वरण करे अपना पति। तो स्वयंवर कहते थे लक्ष्मी स्वयंवर अब शुरू हो गया, तो मंथन कार्य बंद हो गया, लक्ष्मी स्वयंवर शुरू हो गया। क्षीर सागर के तट पर लक्ष्मी जी को कहा, भाई आप अपनी तरफ से आप चुनो, आप किसको चाहती हो, कि सब लोग आपको चाहते हैं, तो आप जिसको चाहती हो उसको आप जो है चुन लो। तो फिर तो क्या हुआ, तस्य आसन मानन ने महेंद्र महेंद्रम। तो लक्ष्मी जी को जो है प्रसन्न करने के लिए, भाई अगर हमको वरण करें तो हम कुछ सेवा करें, तो इंद्र जो है आसन देते हैं उनको, सब प्रसन्न करना चाहते हैं ना। और मूर्ति मत्या शरीर श्रेष्ठ हेम कुंभ है जलम सूची। और जो जो है जितनी नदियां हैं वो देवियां बन करके मूर्ति रूप बन करके हेम कुंभ है जलम सूची, उन्होंने जो है शुद्ध जल लाए अपने अपने नदियों का, सोने के कुंभ में जल लाए। अभिश्रित निका भूमि आहार सकल औषधि, और उनके अभिषेक के लिए जो पृथ्वी देवी हैं सब प्रकार की औषधियाँ लेके आई, है ना। गावा पंच पवित्राणी वसंतो मधु माधवा, और जो गौवा हैं उन्होंने पांच अपना जो है वो दिया, जो क्या बोलते हैं गाय से जो निकलता है पंचगव्य, पंचगव्य प्रदान किया है। और जो बसंत ऋतु है, है तो उन्होंने अपने फूल प्रदान किए, बसंत ऋतु में फूल पैदा होते हैं वो प्रदान किए। ऋषियाकल्पायाम चक्रुर अभिषेकम, फिर ऋषियों ने जो है अभिषेक किया उनका देवी का। जगुर्भद्राणी गंधर्वा, गंधर्वों ने जो है खूब गान किए उनके अभिषेक का। नृत्य नृत्य, और जो नट लोग हैं उन्होंने खूब नृत्य किया और गान किया। मेघा मृदंग प्रणवम, और जो मेघ हैं बादल उन्होंने मृदंग बजाए और प्रणव बजाए और मुरज बजाए और ढोल बजाए और गोमुख बजाए, शंख वेणु वीणा खूब जो है ध्वनि पैदा की उन्होंने, मेघों ने किया। ततो भी शिशुर देवी श्रियम पद्म कराम सतीम, तो फिर देवी का जो है सब प्रकार से ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया, और वे जो है अब क्या करती हैं, समुद्र पीत कौशे वाससी, समुद्र ने जो है पीत और रेशमी वस्त्र प्रदान किए लक्ष्मी जी को। वरुण ने जो है वैजयंती माला प्रदान की और भूषणान्य विचित्राणी विश्वकर्मा, विश्वकर्मा प्रजापति ने सब प्रकार के आभूषण प्रदान किए। हारम सरस्वती, और सरस्वती देवी ने हार प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने कमल का फूल प्रदान किया, और नागों ने उनको कान के कुंडल प्रदान किए। इस प्रकार से हाथ में कमल फूल की माला लेकर के अब माता लक्ष्मी अपना पति चुनने के लिए देख रही, सबको देख रही हैं, लज्जा से जो है मुस्करा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो उनका जो है वर्णन आ रहा है लक्ष्मी जी की सुंदरता का। और इसके बाद फिर जो है सबके बीच में विचरती हैं, गंधर्वों को देखती हैं कि कौन, विचार करती हैं गंधर्वों को देख करके, यक्षों को देख करके, असुरों को देख करके, सिद्धों को, चारणों को, स्वर्ग के वासियों को। लक्ष्मी देवी निरीक्षण कर रही हैं,
कोई भी जो इनको उत्तम गुण किसी में नहीं दिखाई दे रहे, उत्तम गुण किसी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो, कोई गुण है भी तो फिर दोष भी है। तो नूनम तपोयस से किसी के अंदर तपस्या है, तपस्या है लेकिन उसने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की तो तपस्या नष्ट हो जाती है। क्रोध से क्या होता है, तपस्या नष्ट हो जाती है ना। और फिर किसी के अंदर अगर ज्ञान है तो उसके अंदर जो है आसक्ति भी बनी हुई है, तो आसक्ति से ज्ञान नष्ट हो जाता है। और किसी ने अगर काम को जीत भी लिया है, अगर किसी ने काम को जीत लिया है सही सुरह के पर तो पास गया है ना नहीं और जो है अगर किसी ने काम को भी जीत लिया है तो फिर वो जो है सबका नियंत्रक नहीं हो सकता, सबका नियंत्रक नहीं है। धर्म कुछ इतना, और किसी के अंदर धर्म है तो सब प्राणियों के प्रति मित्रता नहीं है। त्याग है कुछ, किसी के पास त्याग है, किसी के पास अगर त्याग है भी तो वो उससे उसको मुक्ति नहीं प्राप्त होती, त्याग से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। किसी के अंदर अगर बल है लेकिन उसके अंदर काल को रोक, काल की शक्ति रोकने का बल नहीं, काल की शक्ति को रोकने का बल नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने देखा किसी के अंदर आयु बहुत लंबी है तो उसका जो है आचरण मतलब अच्छा नहीं है, आयु अच्छी है, आयु बहुत लंबी है, आचरण उसका जो है शुभ नहीं है, अशुभ आचरण है। और किसी के अंदर अगर शुभ आचरण भी है नवेद्यम आयुषा तो उसकी जो है उम्र अच्छी नहीं है, उम्र ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी जो है बहुत विचार करती हैं और बाद में सब देखा उन्होंने, सबका सबके गुणों पर विचार किया और फिर भगवान मुकुंद को ही पति रूप में वरण कर लिया। यद्यपि वो नहीं चाहते लक्ष्मी जी, भगवान लक्ष्मी जी नहीं चाहते, तो अभी मुकुंद का वरण कर लिया। ये भी उन्होंने देखा कि ये भी गुण है उनका कि वो मुझे नहीं चाहते, ये भी भगवान का गुण उन्होंने माना कि ये मुझे नहीं चाहते तो उनको ही वरण कर लिया, भगवान को ही वरण कर लिया। तो श्याम से देवस्तीम रविकंज मालाम, तो भगवान ने जो है उनके जो है वक्षस्थल में कमलों की माला पहना दी और जो है उनके साथ खड़ी हो गई, भगवान के साथ खड़ी हो गई। इस प्रकार से भगवान जो है लक्ष्मी देवी को जो है अपने जो है वक्ष में निवास देते हैं और लक्ष्मी देवी जो है अपनी करुणा से देवताओं को जो है अपनी करुणा अपनी करुण दृष्टि डालती हैं देवताओं के ऊपर। और शंख बजे और जो है वाद्य बजे, तुरही ढोल बजे और सब जो गंधर्व लोग हैं चारण हैं वो नृत्य करने लगे और ब्रह्मा जी शिव जी अंगिरा मुनि ये सब जो है फूलों की वर्षा करने लगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी भी ने उनके ऊपर चितवन की अपने और दिव्य गुणों से संपन्न हो गए, जिन्होंने सब बाजे बजाए हर्ष ध्वनि की फूल बरसाए तो उनको तो लक्ष्मी जी ने अच्छी चितवन से क्या किया मतलब गुणों से संपन्न कर दिया। लेकिन जो दैत्य दानव है वो बुरा मान रहे हैं तो लक्ष्मी जी ने उनके ऊपर चितवन नहीं डाली तो वे जो है फिर सब गुणों से रह गए। इसके बाद फिर आप लक्ष्मी जी के बाद, लक्ष्मी जी के बाद फिर कितना हुआ, नौ हुआ तो दसवां है क्या वारुणी। लक्ष्मी जी के बाद वारुणी उत्पन्न हुई तो भगवान की अनुमति से बलि महाराज असुरों ने उसको जो है अपने अपने काम में ले लिया वारुणी को। इसके बाद फिर अब फिर से मंथन कार्य शुरू किया देवता असुरों ने तो फिर क्षीर सागर के मंथन से अत्यंत अद्भुत प्रकट एक पुरुष प्रकट हुआ। अमृत नहीं ऐसे निकला बल्कि एक पुरुष जिसके हाथ में अमृत था, एक प्रकार से दो रत्न हो गए ना, कितने हो गए, 12 हो गए कुल मिला गए, मतलब धन्वंतरी भगवान 11 और अमृत 12, अमृत का कलश उनके हाथ में था। तो वो जो है भगवान जो थे धन्वंतरी, शरीर सुदृढ़ था, भुजाएं लंबी बलिष्ठ थीं, संग जैसी गर्दन थी, आँखें जो है लाल थीं, रंग सांवला था, अत्यंत तरुण थे और वे जो है भगवान धन्वंतरी उनके बालों के जो
उनके सिर के बाल हैं तेल से चौपड़े थे, वक्षस्थल बहुत चौड़ा था, हाथ में अमृत का कलश रखा हुआ है। वो भगवान जो है धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। तमाम लोग के असुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम। तो जब असुरों ने देखा, अब असुरों ने देखा कि ये तो प्रकट हुए, अब ना तो धन्वंतरी कुछ बोल रहे हैं कि भाई क्या करना है, क्योंकि तो भगवान की चाल है ये कि वे छीने इसके बाद फिर भगवान अपना काम करेंगे। तो पहले उनको अन्याय करने का मौका दिया, तो धन्वंतरी भगवान में अमृत का कलश लिए खड़े हैं, कोई मतलब आज्ञा दे नहीं रहे कि भाई क्या करना है। देवता लोग भी खड़े हैं, वो भी भगवान के इशारे से वो भी कुछ नहीं, चुप हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर असुरों ने मतलब देखा कि अब कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो फिर हम क्या करें, चलो छीनो। तो धन्वंतरी के हाथ से कलश छीन लिया, और धन्वंतरी भगवान ने मतलब ऐसे किया जब कोई छीन लिया तो छीन लिया, मतलब धन्वंतरी भगवान ऐसे देख रहे हैं भाई जैसे ही भाई वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तमालो क्या सुरा सर्वे कलशम चामृता भृतम लिप्संता सर्व वस्तुओं ने कलशम तर सहारा। जब देखा कि कोई गाइडेंस हो ही नहीं रहा किसी का, तो उन्होंने छीन लिया। अब क्या हुआ, लिए माने सुरेश तस्मिन कलशे मृत भाजने। अब जब असुर लोग अमृत का कलश ले गए, विषण मनस हो देव हरिम शरणम आयो, तो सब देवता बड़े निराश हो गए भगवान की शरण की, अब आप हमें आदेश दो हम क्या करें, वो तो अमृत का कलश ले गए। तो फिर तद्दैन आलोक्य, तो उनकी जब दीनता देखी भगवान ने, तो भगवान तो अपने जो है भक्तों के प्रति जो है भक्तवत्सल हैं। तो माँ के दत्त भगवान ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करो, यही मैं चाहता था। भगवान क्या बोले, चिंता मत करो, मैं यही चाहता था, है ना। हाँ, साधे शेष माया, अब मैं जो है अपनी माया से तुम्हारा काम करूँगा। मिथा कली रूत ये शाम, अब उन दोनों उन सब में आपस में ही झगड़ा हो गया, आपस में ही झगड़ा हो गया। क्या हुआ, सब जो है उसको पाना चाहते हैं असल लोग सबको, अहम पूर्वम न तुम न तुम इति प्रभो, पहले मैं प्रभु न तुम प्रभो, अहम पूर्वम न तुम न तुम इति प्रभो, प्रभु तुम नहीं पहले मैं, पहले प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु न तुम इति प्रभो, हम पूर्वम अहम पूर्वम। इस प्रकार से देवाश्रम भाग में रहती, फिर जिनका कोई प्रयास ही नहीं हो रहा, उनके पास शक्ति नहीं थी, तो पीछे पीछे आवाज करने लगे कि देवताओं को भी तुम मिलना चाहिए, देवताओं को तो मिलना चाहिए। तो वो सत्रिया के तस्मिन इस धर्म सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म तो यही है, जब उनको नहीं मिल रहा तो धर्म का जो है आप बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म तो यही है, उनको भी मिलना चाहिए। यदि स्वान प्रत्यषेधन वह देते या जात मत्सर, अब आपस में ईर्ष्या पैदा हो गई, अब वो जो है मना कर रहे हैं कि ये गलत है ये गलत है, अब सब लोग ही मना कर रहे हैं। दुर्बला तो दुर्बल थे, प्रबलान राजन तो प्रबलों जिन जो बलवान थे उनकी निंदा करने लगे, दुर्बल लोग गलत काम कर रहे, ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस प्रकार से बांटता नहीं सबको। ये तस्मिन अंतरे विष्णु सर्व उपाय विधि सभा, तो भगवान विष्णु जो है सब उपायों को जानने वाले हैं। इस बीच में क्या हुआ, योषित रूपम निर्देश, स्त्री का रूप धारण किया, स्त्री का रूप धारण किया, तधार परमान परम अद्भुत रूप धारण किया, प्रेक्षणीय उत्पल श्यामम श्यामल रूप स्त्री का है, सर्वा संपूर्ण अंग सुंदर है, समान कर्णाभरणम और कानों के कुंडल समान है, और स्तन भार कृषोदरम मुखामोदानुरक्ता झंकार उद्विग्न लोचनम, बड़े सुंदर जो है उनके केश हैं, उनकी आँखें हैं। इस प्रकार से भगवान जो है क्या हुआ कि कुणचरण नूपुरम, और अपने पैरों में जो है नूपुर हैं उनके, वो भी जो है हो रहे हैं, झंकार कर रहे हैं। इस प्रकार से दैत युथ चेतासु काम उद्वीप, सब जितने भी बलवान असुर थे, जितना बलवान था उतना ही उसके अंदर काम पैदा हो गया, है ना। अब क्या हुआ, ये हो गया, अब ये हुआ। अच्छा हाँ, तो हमने इतना ही यहाँ किया है, तो इसके बाद की जो कथा है मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि इसके बाद फिर भगवान जो है वहाँ स्त्री के रूप में जब आए, तो फिर जो है उनका झगड़ा सब समाप्त हो गया,
अब कोई नहीं सोच रहा भी किसके पास अमृत है किसके पास नहीं है, सब भूल गए अमृत को। अब तो सब जो है मतलब देख रहे हैं एक पल देख रहे हैं है? अब अमृत की क्या जरूरत, अब अमृत की क्या जरूरत। ये दर्शन तो बहुत बड़ा अमृत है ना, आप अमृत की क्या जरूरत है। तो फिर जो है मतलब पूछने लगे, आप पूछने लगे भाई आप कौन है, आप कौन है, आप किसकी हैं पत्नी हो, आप किसकी पुत्री हो, आप क्या चाहती हो हैं, आप कहाँ से आई हो, इस तरह से पूछने लगे। तो फिर भगवान जो स्त्री के रूप में मतलब बोले हाँ, नहीं जब उन्होंने सब पूछा तो भगवान कुछ नहीं बोले, मोहिनी मूर्ति कुछ नहीं बोली। तो फिर वो बोली, तो फिर असुर लोग बोले कि देखो अब ऐसा है कि ये हमारे पास अमृत है और हम लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है, है ना, ये आप ले लो, आप ले लो और हमें समान रूप से बांट दो, है ना। तो उसमें अब हमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा, आप अगर बांटोगे तो हमें किसी में प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। तो भगवान जो है मतलब पूरी बात बताते हैं। देखो एक स्त्री जिसका कोई मतलब नियंत्रण नहीं, अपनी इच्छा से चलने वाली है ना, तुम जानते भी नहीं मैं कौन हूँ कहाँ से आई हूँ, ऐसी स्त्री पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी स्त्री पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री का तो मन जो है फिर कभी किसी तरफ झुका होता है, कभी दूसरी तरफ झुक जाती है, इसको छोड़ के दूसरे पास जाएगी, दूसरे को छोड़ के तीसरे पास जाएगी, उसके तो मन का कोई स्थिरता ही नहीं। तो तुम लोग तो कश्यप की संतान हो, तुम लोग बड़े बुद्धिमान हो, तुम स्त्री पर क्यों विश्वास करते हो, तो उनका और विश्वास बढ़ गया। भगवान ने दिया पूरा, भगवान ने जब कहा तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए, तो सोचा कि हमारे हित के लिए जब कह रहे तो हम तो सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे। भगवान ने कहा तुम्हें स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो बोले हमारा इतना हित चाहती है कि इतना बता रही है, तो बोले कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी जो है जो इच्छा हो, तुम जो चाहो वह किसी को ना दो या किसी को पूरा दे दो या किसी को बिल्कुल ना दो, तुम्हारी जो इच्छा करो, अब कोई हमारा झगड़ा होगा ही नहीं, आप बस ले लो। भगवान ने कहा बस ठीक है, मोहिनी मूर्ति ठीक है, अब कोई मतलब फिर शिकायत नहीं करना, मैं जो कुछ करूँगी मैं भी नहीं जानती मैं क्या करूँगा। फिर जो है कहा कि ठीक है, फिर जो असुरों की पंक्ति अलग बनाई, देवताओं की पंक्ति अलग बनाई, और फिर भगवान क्या करते हैं कि लाते हैं अमृत का कलश असुरों के पास लाते हैं, और फिर जो है अपनी आँखें जो है आँखों से कुछ इशारे करते हैं, हैं सुंदर इशारे करते हैं, वो बड़े मतलब मोहित हो रहे हैं, और फिर देवताओं को अमृत पिला देते हैं, फिर बाद में असुरों के पास आते हैं, फिर अपना जो है कुछ अपना चेष्टाएँ करते हैं स्त्री की, फिर जो है देवताओं को अमृत पिला देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है ये कार्य करते हैं, और देवताओं को अमृत प्राप्त होता है और असुरों को जो है केवल परिश्रम प्राप्त होता है, है ना। तो देवता लोग जो है भगवान की सब चाल जानते हैं, तो देवता तो भगवान को अपनी माता की तरह समझते हैं, और असुर लोग जो सोचते हैं भाई हमारी जो है मतलब हमको देख रही है, उसका जो है रूप हमें अपनी दिखा रही है, अपनी मुस्कुराहट दिखा रही है, इससे बड़ा और हमारा क्या लाभ है। तो फिर अमृत इच्छा ही नहीं अमृत की बिल्कुल। लेकिन फिर होता क्या है, जब देवताओं को अमृत जब मतलब मिल गया पूरा पी लिए, तब भगवान ने अपना रूप जो है ज्यों का त्यों धारण कर लिया, विष्णु धारण कर लिया। अब उनको लगा कि अरे ये तो जो है बहुत बड़ा धोखा किया, अब हमें ना तो अब वो चितवन मिली, ना उसका सौंदर्य मिला, ना कुछ मिला, हमें तो केवल जो है परिश्रम मिला और धोखा मिला, और शत्रुओं को जो है अमृत मिला। तब फिर युद्ध हुआ, फिर युद्ध हुआ, तो फिर वहीं क्षीर सागर के तट पर युद्ध हुआ, फिर युद्ध में तो फिर वो असुर लोग पराजित हुए। तो इस तरह से आगे कथा चलती है, ये सब कथा शंख और चंद्रमा। हाँ, फिर वो राहु जो असुर था, राहु असुर उसने वो चालाक था, वो चालाक था, स्वर्भानु नाम था, नहीं राहु नाम था उसका, हाँ उसने चालाकी की, तो देवताओं की पंक्ति बैठ गई। भगवान तो सब जानते थे, फिर भी उसको पिला रहे हैं कि जैसे नहीं जानते हैं। और चंद्रमा और सूर्य ने जो है मतलब इशारा किया भगवान को, तो इशारा किया तो उसको चक्र से काट दिया, तो चक्र से काट दिया। तो भागवत में तो ये लिखा है कि उसका जो सिर है तो सिर को अमृत मिला था, गले के नीचे नहीं पहुंचा अमृत, तो धड़ उसका मतलब मर गया, या उसका सिर जो है जीवित रहा, उसको ग्रह बना दिया ब्रह्मा जी ने, तो राहु एक ग्रह बना हुआ है। लेकिन अब कहीं पर कहा जाता है केतु भी है, राहु केतु है, उसका शरीर तो नवग्रह उसी को जोड़ के बन, केतु को भी जोड़ के बनाते हैं।
तो केतु जो है अलग हो गया, तो नौ ग्रह इस तरह से माने जाते हैं। तो जो भी हो, मतलब ये समुद्र मंथन की लीला से ये पता चलता है कि भगवान हमेशा देवताओं के पक्ष में रहते हैं, है ना। और जो देवता हैं अगर भगवान की चाल पर ही चलते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो भगवान को प्रिय हैं। हाँ, तो हमारा जो है यही कार्य है वैष्णवों का कि हम जो है भगवान की शिक्षा के अनुसार चलें, सही और गलत जो कुछ भी लगे, लेकिन भगवान की शिक्षाएं ही हमारे लिए परम परोपकारी है। हाँ, परम आदरणीय है। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभु की जय। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर कथा करा प्रभु जी का, धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा।